नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख ताजा तरीन खबरों पर। 25 जून के बाद कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की तैयारी, कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेज में 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव भेज दिया है। 11 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कॉलेजों के अधिकांश शिक्षकों, बच्चों के अभिभावकों और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग की है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान अधिकांश ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की पैरवी की। इसको लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग ने सरकार को 25 जून के बाद परीक्षाएं करवाने के लिए मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि हम परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार हैं। उधर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 11 जून के कैबिनेट की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लेकर जाएंगे। फेफड़ों को नुकसान पहुंचने से बचा रहा एरेका पाम पौधा, विशेषज्ञों ने किया खुलासा। एरेका पाम के सजावटी पौधे लोगों के फेफड़ों को खतरनाक गैसों से हानि पहुंचाने से रोक रहे हैं। ये बंद कमरों में पनपने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों को सोख कर वायु को शुद्ध करते हैं। यह खुलासा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी पालमपुर के विशेषज्ञों ने किया है। इन पौधों को हिमाचल प्रदेश में बंद कमरे के अंदर गमलों में रोपा जा रहा है। कोविड काल में विशेषज्ञों भव्या भार्गव, संदीप मल्होत्रा, अंजलि चंदेल, अंजलि रखवाल, सचिव राघव कश्यप और संजय कुमार की टीम ने इस पर संयुक्त रूप से शोध किया है। इसे स्प्रिंगर नामक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छापा गया है। कोरोना वायरस के बीच ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह अच्छी खबर है। यह प्रयोग पालमपुर में किया गया है। बस ऑपरेटरों के टोकन और विशेष रोड टैक्स माफी की तैयारी, 1500 रूटों पर दौड़ेंगी बसें। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मार झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को जयराम सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शुक्रवार 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बस ऑपरेटरों को पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक का टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ या छूट दी जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। चर्चा के बाद इसे मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कम ब्याज पर सरकार ऋण योजना दे सकती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उधर कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए सरकार पहले चरण में प्रदेश में 1500 रूटों पर बसें चलाने की स्वीकृति देगी। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते बसों का संचालन नहीं हुआ, बाद में भी 50% सवारियों के साथ बसें चलाने की स्वीकृति मिली।